नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे मैरिज के ऊपर, यानी कि शादी के ऊपर, यानी कि इस जन्मपत्री में या कोई भी जन्मपत्री हो उसमें अगर हम मैरिज को सिग्निफाई करें या मैरिज को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए या मैरिज को हम कैसे देखते हैं, तो इस वीडियो में आज मैं मैरिज को कैसे देखते हैं ये बताऊंगा। तो ये जो हमारे सामने जन्म कुंडली है ये मिथुन लग्न की है और लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे जो केंद्र में चौथे घर में शुक्र देवता जो है वो नीच के हुए हैं। शुक्र देवता जो है वो शादी के यानी मैरिज के नेचुरल बेनिफिशियर प्लेनेट है, जो शादी को कराने का मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो जन्म कुंडली है इसमें काफी चीजें अच्छी है, काफी चीजें बुरी भी है। जैसे यहाँ पे छठे घर के अंदर सूर्य, बुध और केतु और गुरु चारों विराजमान है और शनि देवता जो है भाग्य के मालिक है। ग्यारहवें मतलब नवे घर में उनकी कुंभ राशि आती है, वो भाग्य के मालिक है और उच्च के होके पांचवें घर में विराजमान है। काफी अच्छे हैं, योग कारक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राहु देवता जो है वो भी बारहवें घर में उच्च के हो गया। राहु जो है वो वृष राशि में उच्च के होते हैं और इस कुंडली में मैरिज के क्या योग है और किन वजह से इसकी मैरिज रुकी हुई है और क्यों नहीं हो पा रही है और इनके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो कुंडली में सबसे पहले जो है वो हमें देखना चाहिए वीनस। वीनस जो है वो मैरिज का सबसे योग कारक और नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट होता है। वीनस यहाँ पे नीच का हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और वीनस जो है वो 20 डिग्री है यानी 20 डिग्री का है, तो वीनस 20 डिग्री पे नीच के होते नहीं है। तो लेकिन काफी सारे लोग इन्हें मानते हैं, तो हम उस थ्योरी को माने या नहीं माने वो अलग बात है, हम उसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो वीनस जो है वो बुध के नक्षत्र में है, सॉरी चंद्रमा के नक्षत्र में है और वीनस जो है वो वीनस के ही उप नक्षत्र में है, यानी कि सबलोड जो है वो वीनस का ही है और स्टारलोड जो है वो चंद्रमा का है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वीनस यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि वीनस की जो वृष राशि है वो आती है बारहवें घर में और वीनस यहाँ पे नीच के भी है और वीनस जो है वो चौथे घर में मतलब विराजमान है। चौथा घर जो है वो पांचवें का बारहवां होता है। वैसे मैरिज का इसका कोई मतलब नहीं है, मैरिज के लिए तो छठा घर जो है वो रोकता है शादी को, तो लेकिन चौथा घर भी है तो वो भी अच्छा नहीं है मैरिज को लेके। तो यहाँ पे क्या होता है कि वीनस जो रिजल्ट देगा, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो वीनस जो है उसको जो ऑक्यूपाइड हाउस हुआ है वो चौथा हाउस हुआ है और वो जो मालिक है वो है पांचवें और बारहवें घर का। तो इसका मतलब है कि वीनस यहाँ पे शादी के लिए देखा जाए तो फिर वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा को भी बारहवां घर मिला है, तो यानी कि वीनस जो है उसके प्लेनेट में स्टार लोड में और सब लोड में तीनों में 12th हाउस आ रहा है। तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि 12th हाउस है तो वो अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसको रोक लेगा। वैसे वो संया सुख का भी कारक है 12th हाउस, लेकिन कई बार जो है वो 12th हाउस अकेला होता है तो डिले भी कर देता है, क्योंकि जब वो महादशानाथ की जो कैलकुलेशन है उससे जब वो टैली करता है अपना रिजल्ट तो उस समय वो अपना 12th हाउस का रिजल्ट भी दे देता है। तो वीनस को हमें एक योग कारक नहीं मानना चाहिए। अब हमें ये देखना चाहिए कि वीनस योग कारक तो नहीं है लेकिन नेचुरल बेनिफिशियर है। अब वह प्लेनेट हमें देखने होंगे जिन प्लेनेटों के स्टार लोड में या सब लोड में वीनस आएगा। ये कैलकुलेशन का अलग सा मेथड है, केपी कृष्णमूर्ति में भी काफी सारे लोग इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया है काफी तरह के कुंडलियां देखकर, तो उसके थ्रू मैंने काफी अपने कुछ कई रूल बनाए हैं उनके ऊपर मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो वीनस मतलब ये एक परीक्षण करने का सरल मेथड है कि अब हमें ये देखना है कि कौन से प्लेनेट के अंदर सबलोड में और स्टार लोड में वीनस आता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का सबलोड जो है वो उसका वीनस है, यहाँ पे वीनस का भी वीनस है, उसको हमने पहले ही डिनाई कर दिया। यहाँ पे देखिए मंगल, मंगल का सबलोड भी वीनस है और शनि, शनि का सबलोड भी वीनस है, तो यानी कि हम देखें तो राहु का भी सबलोड वीनस है,
अब क्या है कि वीनस जो है काफी मतलब प्लेनेट के सब लोड में, अब हमको इनमें से एक या दो प्लेनेट चुनने हैं, वो इसलिए कि कौन सा प्लेनेट जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है मैरिज के लिए, ये बात हो रही है हम उस लकी स्टोन को चुनने की जो मैरिज को कराने के लिए बाध्य रहे हैं, यानी कि इस कुंडली में मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस प्लेनेट ने ले रखी है। तो हमने वीनस को सब लॉर्ड में देखा, तो चंद्रमा के अंदर देखा। अब हम अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है उसको जो ऑक्यूपाउंट हाउस है वो मिला है छठा, सॉरी बारहवा, बारहवा हाउस मिला है। बारहवा हाउस अच्छा नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो दूसरे घर का स्वामी है। अब ये जो चंद्रमा है इसका जो स्टार लॉर्ड है वो है मंगल यानी मार्स। अब मार्स का हमें ये देखना है कि वो किन भावों को सिग्निफाई करता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्स को जो ऑक्यूपाउंट हाउस हुआ है वो इनको हुआ है चौथा हाउस, और जो इनका मतलब राशियां हैं वो छठे और ग्यारहवें घर में आ रही है। तो देखा जाए तो चौथा हाउस ठीक नहीं है, छठा भी नहीं है, लेकिन ग्यारहवा हाउस बड़ा अच्छा है। और चंद्रमा में जो मतलब हाउस था दूसरा, जो इनका राशि थी जो कर्क राशि है वो दूसरे हाउस में आई, ये दूसरा हाउस इस ग्यारहवें हाउस के साथ टैली कर लेगा, यानी कि परिवार के अंदर वृद्धि करने के लिए, यानी परिवार जो है वो दूसरा हाउस है और ग्यारहवा जो हाउस है वो इसको मतलब प्राप्ति कराएगा, गेन कराएगा। अब इसमें वीनस है, वीनस भी यहाँ पे वीनस को अगर ऑक्यूपाइंट देखे तो चौथा हाउस है और मालिक पांचवें और बारहवें का, यानी कि पांचवा हाउस जो है वो पुत्र प्राप्ति का होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो दूसरा पांचवा और ग्यारहवा, पांचवा हाउस पुत्र प्राप्ति का है, ये सपोर्ट करता है मैरिज को, क्योंकि अगर शादी होगी तभी पुत्र होंगे। यहाँ पे बारहवा हाउस भी आया है लेकिन ग्यारहवें हाउस जो है वो ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो उस वजह से अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है वो काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है मतलब वीनस के मुकाबले। अब हमें देखना है कि मंगल, क्योंकि यहाँ पे मंगल का भी, ये वीनस का तो हमने डिनाई कर दिया था, अब मंगल का भी मतलब सब लॉर्ड जो है वो वीनस है। मंगल जो है वो छठे और ग्यारहवें घर आ रहा है और ऑक्यूपाइंट में चौथा घर है, चौथा और छठा जो है वो सही नहीं है। और मंगल का जो स्टार लॉर्ड है वो है सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य को देखते हैं, सूर्य जो है वो ऑक्यूपाइंट में पांचवा हाउस देता है और यहाँ पे तीसरा हाउस देता है, ये भी ठीक है वीनस, और फिर इसका सब लॉर्ड है वीनस, वीनस के अंदर पांचवा और बारहवा, तो कुल मिला के मंगल भी काफी योग कारक है शादी को लेके। तो पहले हमें चंद्रमा मिला फिर मंगल मिला, दोनों ही योग कारक है, इनमें चंद्रमा जो है वो ज्यादा योग कारक है, क्योंकि चंद्रमा की जो नेचुरल पावर है वो है हमारा शरीर मन, और मंगल जो है वो थोड़ा सा शादी को मतलब डिनाई करने में रहता है, क्योंकि मंगल को, मंगल जो है वो ब्रह्मांड में एक सेनापति है और वो एक अकेला रहना पसंद करता है, इसलिए जो मंगल है उसको हम यहाँ पे चंद्रमा से कम आंकेंगे, क्योंकि उसकी जो नेचुरल पावर है वो चंद्रमा के मुकाबले मैरिज के लिए कम है। तो वैसे हमने इस मंगल को भी डिनाई कर देते हैं, चंद्रमा को पॉजिटिव रखते हैं। इसके बाद देखिए शनि, शनि के भी उपनक्षत्र में वीनस है। अब शनि का जो स्टार लॉर्ड है वो राहु है, पहले हम शनि को देखते हैं। शनि जो है वो ऑक्यूपाइंट हाउस पांचवा है और इसकी जो राशि है वो आठवें और नवें भाव में आती है, नवा हाउस ठीक है, और उसके बाद राहु का इसके अंदर मतलब नक्षत्र है। तो राहु जो है वो दूसरे हाउस को देता है, वीनस जो है वो बारहवें और आपके छठे हाउस को, यानी कि छठा, यहाँ पे क्या होता है राहु जो है वो ऑक्यूपाइंट में बारहवा है और शनि का आठवां है और इसका वीनस का छठा है, तो ये सब मिलके ये जो रूल बनता है, सॉरी वीनस का बारहवां हाउस, तो बारहवां आठवां और बारहवां, यानी कि ये बाधा उत्पन्न करेगा, तो शनि जो है वो मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। ये वीडियो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है लग रहा है आपको, लेकिन ये प्रेडिक्शन करने का बड़ा ही सटीक और अच्छा फॉर्मूला है, काफी मतलब जो लोग सटीक प्रेडिक्शन में जाते हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा वीडियो है ये, उनको काफी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड है। और इसके बाद देखिए हम राहु को लेते हैं, क्योंकि राहु का भी स्टार लॉर्ड जो है वो वीनस है, ये मैंने शुरू से इसलिए लिया है वीनस का बता के, क्योंकि वीनस जो है वो नेचुरल बेनिफिशियर है, यहाँ पे नीच का हुआ है लेकिन वो शादी कराने के लिए हमेशा तैयार रहेगा।
तो हमें हमेशा ही ये वही प्लेनेट को स्टोन या देखना चाहिए जिनके नक्षत्र में या उप नक्षत्र में कहीं ना कहीं वीनस आता हो, तो वो नेचुरल बेनिफिशियर बन जाएंगे मैरिज के लिए। अब यहाँ पे राहु को देखिए, राहु का जो मतलब ऑक्यूपाइड हाउस है वो 12th हाउस है और भाव राशि कहीं नहीं आ रही। उसके बाद देखिए राहु की जो स्टार लॉर्ड है वो चंद्रमा है और सब लोड है वो मून आपका वीनस है। तो स्टार लोड में देखिए चंद्रमा में यहाँ पे इसको 12वां हाउस मिला और दूसरा मिला, और यहाँ पे अगर इसका वीनस में देखेंगे तो इसको फिर से 12वां हाउस मिला। तो कुल मिला के राहु जो है वो 50-50 है, क्योंकि उसमें दूसरा हाउस भी है और 12वां हाउस भी है, 5वां हाउस भी है, फिर 12वां हाउस भी, तो 50-50 है। तो हम राहु भी वैसे मंगल की तरह शादी को कहीं ना कहीं तोड़ने में होता है, शादी को कराने में नहीं होता, तो हम राहु को भी यहाँ पे डिनाई कर देंगे। तो हमारे पास दो प्लेनेट होते हैं, मंगल और चंद्रमा। मंगल को हमने पहले कम आंका है चंद्रमा के बजाय, तो हमें लकी स्टोन जो मिला है वो चंद्रमा मिला है, कि हमें चंद्रमा का स्टोन डाल लेना चाहिए जो हमारी इस कुंडली में शादी के लिए रेस्पॉन्सिबल है और शादी कराने के योगकारकता को लेके बैठा है। हमने ये जो रिजल्ट निकाला है वो सब लोड और स्टार लोड के थ्रू निकाला है। और केपी कृष्णमूर्ति में ये कई नियम है, जैसे 7th हाउस का कसपल सब लोड है वो उसका जो स्टार लोड है, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमने इसमें एक योग कारक प्लेनेट निकाला है जो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कराए मतलब लेगा, और एक प्लेनेट हम वो निकालेंगे जो शादी को रोकेगा। तो रोकने वाला प्लेनेट को देखने के लिए सबसे पहले हम उसकी अंतरदशा में जाते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में चल रही है उस जातक की अंतरदशा, वो 19 नवंबर 2003 से लगी थी और 2019 तक जुपिटर की चले गए। अब हमें सिंपल वे में देखना है जुपिटर क्या सिग्निफाई करता है। जुपिटर जो है वो यहाँ पे देखिए वो ऑक्यूपाइड हाउस छठा ले रहा है और उस वो मालिक है 7वें और 10वें का। यहाँ पे हमने कई बार डिस्कशन किया है, मेरे मैरिज के बहुत सारे वीडियो आए हैं, मैंने प्योरली बताया है कि छठा हाउस अगर 10वें हाउस से संबंध बना लेता है तो फिर वो मैरिज को कभी नहीं होने देगा, वो मैरिज को कभी नहीं होने देगा, यानी कि मैरिज को कहीं ना कहीं कहीं वो तोड़ता ही रहेगा। तो इसीलिए हम ये माने कि जुपिटर यहाँ पे मैरिज को रोक रहा है पूर्णतया। तो महादशानाथ है वो अपना रूल फॉलो करेगा, वो अपना रिजल्ट तो देगा ही, तो हमें क्या करना है उस महादशानाथ के रिजल्ट को न्यूट्रल करना है, उस रिजल्ट में उस रिजल्ट के अंदर कुछ कमी लानी है। तो हमें जुपिटर यानी कि गुरु के उपाय करने होंगे। गुरु के जो उपाय हैं वो हम गुरु के बीज मंत्र कर सकते हैं, और भी गुरु के कई उपाय हैं, केले के वृक्ष की पूजा है और भगवान विष्णु की उपासना है, सत्यनारायण भगवान की है, और गुरु के 40 गुरु के गुरु का कवच है, गुरु के कई मंत्र, कई तरह के और भी मंत्र आते हैं। ये सब करके हम गुरु की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कम करेंगे, और चंद्रमा की जो हमारे जो मेन योग कारक प्लेनेट है जो शादी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका हम स्टोन डालेंगे, तो हमें काफी कुछ फायदा होगा, जिसकी वजह से हमें शादी के अंदर मतलब यह है कि हमारी शादी इस पीरियड में हो जाएगी, जब एक अच्छा ट्रांजिट पे अगर चंद्रमा और गुरु या चंद्रमा या उसका साथ जैसे मंगल है कुछ पॉजिटिव है या कोई और पॉजिटिव प्लेनेट जब ट्रांजिट में विद इन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री आएंगे तो उस व्यक्ति की उस जातक की शादी भी हो जाएगी। उसके अंदर अंतरदशा महादशा की भी कुछ प्रोमिसेस की जरूरत होती है, ये सब मिला के अगर वो ट्रांजिट में मैच हो जाता है तो जातक की शादी हो जाती है। तो आज जो हमने इस जन्म कुंडली से सीखा है मैरिज के रिगार्डिंग की कैलकुलेशन मेथड के थ्रू कि कौन सा लकी स्टोन हमें लेना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, कि उस कार्य का रिस्पॉन्सिबल कौन है, और इस उस कार्य को उस कुंडली में यानी कि इस कुंडली के अंदर मेरी संबंधी या कोई भी संबंधी कोई भी कार्य जो जिस कार्य को हम मान रहे हैं, या इवेंट है जैसे एजुकेशन ही हो या कोई बिजनेस हो कुछ भी चीज हो, उस कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है और उस कार्य को कौन रोक रहा है, ये दोनों चीजें पकड़नी होती है। कई बार लोग उपाय कर लेते हैं लेकिन पॉजिटिव चीज को नहीं पकड़ते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव चीज को तो पकड़ लेते हैं लेकिन उपाय नहीं करते तो फिर वो आता नहीं है। आपको क्या करना है, उपाय पॉजिटिविटी के साथ करना है कि पॉजिटिव को बढ़ाए नेगेटिव को घटाएं तो रिजल्ट निकल के आएगा। ये एक प्रेडिक्शन करने का मेथड है, काफी अलग अलग तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं। ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसके थ्रू मैंने आपको समझाया है, शायद किसी को अजीब सा लगा होगा, किसी को गलत भी लगा है, और 90% लोगों को तो गलत लगता है। तो
लेकिन मैंने इससे कई तरह के रिजल्ट बनाए हैं, लोगों को दिए हैं और काफी लोगों को फायदा हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और आप अगर अपनी जन्म कुंडली हमसे फलित कराना चाहते हैं या आपकी जन्म कुंडली से रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेरी हमसे करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 0729697847 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।